अरे मोदी जी, आप हमें कहाँ पर लेकर जा रहे हो? आपको शर्म नहीं आती? इतने सारे आम हम कहाँ पर बेचेंगे? इतने दिन हो गए चलते चलते इस रोड पर, चले ही जा रहे हैं। और आपको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा मोदी जी। ये देखो, हमारा अखिल जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, बड़े बड़े होठ हो चुके हैं इनके तो वजन के मारे। और सोच लग रहा है इतने आम कहाँ बेचेंगे यार, मोदी जी कहाँ ले जाएंगे हमें? पता नहीं क्या होगा इन आमों का, बिगड़ जाएगा। अरे योगी जी, तुम चिंता मत करो, इन आमों को मैं इतनी अच्छी मार्केटिंग करूँगा कि सब दौड़े दौड़े आएंगे अपने पास। तुम चिंता मत करो योगी जी, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। तुम्हें चिंता लेने की कोई जो है आवश्यकता नहीं है। ये आम भी बहुत अच्छी तरह से बिक जाएंगे, तुम चिंता मत करो बिल्कुल। अरे हाँ, योगी जी, मोदी जी है ना, फिर तो हमें किसका डर है? मोदी जी ने तो अच्छे अच्छों को बेच दिया है, फिर ये आम क्या चीज़ है? आपको भी बेच देंगे अगर आप कहें तो। मोदी जी हमें भी बेचाना आम के साथ। आप बहुत अच्छी मार्केटिंग करते हो, आप बहुत ही अच्छी जो है बेचने का तरकीब है आपको। आप तो सेल्समैन होना चाहिए था आपको तो, ये आम बेच रहे हो आप बहुत बड़े सेल्समैन बन चुके हैं। मोदी जी क्या बात है, आप तो हमको भी बेच डालेंगे कल तो। इन आमों की क्या बात करते हो मोदी जी। हम लेकिन हाँ, हमें पैसे जरूर चाहिए अपनी मजदूरी के। हाँ, मोदी जी हमें अपने मजदूरी के पैसे दे दो, हमसे इतना भारी काम नहीं होता, मैं तो बुढ़ी हो चुकी हूँ। और हाँ देखो, राहुल बहुत ही जो कड़कला हो चुका है, चलते चलते ना रोटी मिली है ना पानी मिला है। ये आम बेचने को मजबूर हो रहे हम, गर्मी भी इतनी तेज पड़ रही, ना पानी है और प्यास के हमारे गला सूखा जा रहा है। गर्मी में इतना भारी काम कौन करेगा? मोदी जी हमें छुट्टी दे दो, हमारे पैसे दे दो, हम जा रहे हैं घर पर।